यूपी के इटावा में एमएलसी मानवेंद्र सिंह ने भारत टीवी से बात करते हुए बताया कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मानवेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार का काम किया है, तमाम प्रकार के विकास के कार्य हुए हैं, अपराधों में गिरावट आई है, नौजवानों को रोजगार मिला है, साथ ही जो होल्डअप की घटनाएं होती थी उनमें बिल्कुल 100% की कमी आई है, बलात्कार की घटनाओं में 52% की कमी आई है, 1.8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस के अंतर्गत महिलाओं को कनेक्शन मिले हैं, 1,52,000 कन्याओं का विवाह हुआ है, इसी प्रकार से 15 करोड़ लोगों को फ्री अन्न पिछले 7 महीने मिला, जब पिछले वर्ष और इस वर्ष भी 5 महीने से उनको मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,42,00,000 लोगों को आवास मिले हैं। इस प्रकार से नकल विहीन परीक्षाओं का होना, लोगों को रोजगार मिलना, पारदर्शी व्यवस्था होना, गुंडागर्दी खत्म होना, भ्रष्टाचार मुक्त होना, इन सारे कारणों को देखते हुए आज विपक्ष अपने आप को मुद्दा विहीन समझ रहा है, और उसी के कारण से आगे आने वाले समय में 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में पहले से भी अधिक बहुमत के साथ आने वाली है। आपके कहने के हिसाब से आपने कहा है कि विपक्ष जो है बिल्कुल मुद्दा विहीन है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि सबसे ज़्यादा इस समय बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो अपने समय का आकलन कर लें, उनके 17 साल के विपक्ष के 17 साल के कार्यकाल में मुश्किल से 50,000 नौकरियां नहीं मिली, और जो नौकरियां मिली थी वह भी आज भी कोर्ट में फंसी हुई हैं, उनके समय की भी नियुक्तियां कोर्ट की फंसी हुई योगी सरकार ने निकालने का काम किया है, जबकि 4.5 वर्षों में 4.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां मिली हैं, रिकॉर्ड है, एक एक का नियुक्ति पत्र वितरण हो गया, किसी को एक कप चाय भी नहीं पिलानी पड़ी। सर, आज से लगभग 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में इस समय जैसे माहौल चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर, किस तरह किसान कोई नाराज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे किसान जुड़े हैं, सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से 1,45,00,000 करोड़ रुपए का जो गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है उससे किसान खुश हैं, किसानों की आय दोगुनी हो रही है, उनको